लखनऊ से बड़ी खबर, आज शाम को यूपी कैबिनेट का विस्तार होना है। चार विधायक का मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो चारों के नाम फाइनल हो गए हैं। बीजेपी के दो विधायक मंत्री बनेंगे, एसबीएसपी और आरएलडी से एक एक विधायक। सुनील शर्मा और तारा सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ओपी राजभर और अनिल कुमार भी शपथ लेंगे। तो चारों को सीएम आवास बुलाया गया है। सीएम से मुलाकात के बाद राजभवन जाएंगे। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और लंबे वक्त से जो इंतजार था दारा सिंह चौहान को, एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर को और आरएलडी के भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से संभावित था मंत्रिमंडल विस्तार, हालांकि आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं, चूंकि वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास, और उसके बाद सभी विधायक एक साथ राजभवन जाएंगे जहां पर राज्यपाल की मौजूदगी में चारों मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की बात करें तो इन दो नेताओं का कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो योगी 1.0 में भी ये दोनों ही जो नेता हैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं। जहां तक सवाल सुनील शर्मा का है जो गाजियाबाद से आते हैं, चूंकि इनका नाम सबसे आखिर में सामने आया है, चूंकि वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं लखनऊ के लिए और थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं, माना जा रहा है कि सुनील शर्मा को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। वहीं अगर हम आरएलडी कोटे से जो विधायक आ रहे हैं उनकी बात करें, अनिल कुमार की, तो माना जा रहा है कि उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जा सकता है। तो देखिए, बहुत दिनों से चूंकि बहुत प्रतीक्षित ये कैबिनेट विस्तार है, क्योंकि जब से ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए, तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि दोनों ही नेताओं का मंत्री बनना तय है। हालांकि इसमें काफी विलंब हुआ, लेकिन अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। अविनाश, अगर हम देखें मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हो रहा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, और लोग यही कह रहे हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 24 के समीकरण को साधने की जुगत है ये। बिल्कुल, देखिए, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार पहले से ही ये था, तय था कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को समायोजित करने की भी बात हुई थी, और चूंकि हाल ही में आरएलडी नई सहयोगी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो जाहिर सी बात है कि आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री बनना बिल्कुल तय है। लेकिन देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है, चूंकि बीजेपी कोई फैसला लेती है तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाती है, तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल को साधने के लिहाज से देखा जाए तो ओपी राजभर का और दारा सिंह चौहान का साथ आना और उनका मंत्री बनना कहीं ना कहीं उसी समीकरण का हिस्सा है। अगर पश्चिम की बात करें तो चूंकि आरएलडी के जितने विधायक हैं उनमें से एक विधायक को मंत्री पद आज दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जाटलैंड को साधने की कोशिश की जाएगी। वहीं सुनील शर्मा की बात करें जो सहीवाबाद विधानसभा सीट से आते हैं, चूंकि ब्राह्मण चेहरे हैं तो पहले संभावित था कि एक ब्राह्मण को और कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो रणनीति पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। बिल्कुल, तो ये रणनीति बनाकर बीजेपी अब आगे चुनाव में जाएगी। अविनाश, अगर हम देखें तो पूर्वांचल की जो सीट है, खासतौर पर 4% जो वोट हैं वो राजभर के माने जाते हैं, जो राजभर समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उस पर असर डालेगा ओपी राजभर को मंत्री बनाना? बिल्कुल, देखिए, अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में चूंकि बीजेपी की हालत काफी खराब रही थी और कई ऐसे जिले रहे जहां पर बीजेपी ने खाता भी नहीं अपना खोल पाया, गाजीपुर जिले की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, तो इन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और देखा जाए तो ये वो जिले हैं जहां पर राजभर जो आबादी है ज्यादा मानी जाती है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चूंकि वो गाजीपुर सीट मांग भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ओपी राजभर के मंत्री बनने से एक जो राजभर वोट बैंक है उसको साधने में मदद मिलेगी, और जो वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे, जाहिर सी बात है कि ओपी राजभर चूंकि अब बीजेपी के साथ हैं और अब मंत्री बनने भी जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव राजभर वोट बैंक पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश।
योगी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इसमें किसानों के लिए अहम फैसले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। वहीं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने के मामले में भी अहम प्रस्ताव पास हुआ है। 9 जिलों के लिए एडवांस धनराशि को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट में ये अहम फैसले हुए हैं। आपको बता दें योगी कैबिनेट की यह बैठक हुई थी और इसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पर छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। काफी दिनों से ये बात महसूस की जा रही थी कि जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, खासतौर से बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, जो लखनऊ के जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें अनियोजित विकास न हो। उद्देश्य यह है कि नियोजित विकास हो, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीआर बना दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहां पर भी नागरिकों की सुविधा के दृष्टि से जो विकास हो वो सुनियोजित हो। इसके लिए आज एक अध्यादेश की मंजूरी है जी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024।